शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये फैक्ट्री है तुम्हारा घर, इडियट। तुम यहाँ के बच्चे को दूध पिला रही हो, वो झूला झूला रही है। तुम जैसी औरतों को तो तनख्वाह नहीं बल्कि धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मालिक, औरतों से बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। वो औरत ही थी जिसने तुमको दूध पिलाया और झूले में झुलाया। यू शट अप। इन दो कौड़ी के बच्चों का मुकाबला हमसे करती है। क्यों मालिक, अब सोने के बने हैं और हमारे बच्चे मिट्टी के। सब एक जैसे ही तो पैदा होते हैं। तुमने हमारी इंसल्ट की है। मैनेजर। यस सर। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली तमाम गर्भवती औरतों की और बच्चे वाली औरतों की लिस्ट तैयार करो। मैं उन सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ। शेखर बाबू, हरी ने राधा बहन को थप्पड़ मारा। क्या? व्हाट? एक मजदूर औरत को थप्पड़ मारा तुमने? ये रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हो? यू डोंट वॉन्ट इट अ प्रॉब्लम डैड। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन औरतों को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हरी बाबू मारो, हरी बाबू मारो, चलो हरी बाबू, हरी बाबू मारो, हरी बाबू, हरी बाबू मारो। क्या हो रहा है शेखर, काम छोड़कर चिल्ला क्यों रहे हो? सेठ जी, आपके बेटे ने एक मजदूर औरत पर हाथ उठाया और हम उससे यहाँ माफी मांगवाने के लिए आए। और अगर ये माफी ना मांगे तो? मजदूर की ताकत को मत ललकारो सेठ। पैसे की ताकत के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं शेखर। जिस पैसे की ताकत पर आपको नाज है, जिन नोटों के ढेर से आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उन नोटों में रंग भरने के लिए स्याही की जगह इन मजदूरों का खून इस्तेमाल हुआ। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं सेठ। इसलिए भला इसी में है कि इस लड़के से माफी मंगवा दीजिए। किस बात की माफी? मैं अपने बेटे के ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो औरतें ठीक से काम नहीं कर सकती उन्हें नौकरी से अलग किया जाता है। ये रहे उनके दिल में चलौने। सेठ, मजदूर अपनी मेहनत और मशक्कत से आपकी बेजान मशीनों को जिंदगी देता है और आप इन मजदूरों को रद्दी के टुकड़ों की तरह फेंक देते हैं और समझते हैं कि ये मजदूर इन टुकड़ों को उठाकर खामोशी से सर झुकाकर चला जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लोगे ना? हड़ताल को इतना तुच्छ ना समझ सेठ। हड़ताल ने बड़े बड़ों के सुरताल बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल मजदूर का वो वाहिद हथियार है जिसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिखाओ अपने एटम बम की ताकत। अरे जब पेट में भूख की आग भड़केगी ना तो मरियल कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे तलवे चाटने के लिए तुम सब के सब वापस आओगे। हाँ, लेकिन कुत्तों में एक दांत और भी होती है जो सिर्फ भौंकती नहीं काटती भी है। हरी बाबू, दो दिन के अंदर अगर आपने ये डिसमिसल ऑर्डर्स वापस नहीं दिए और अपने इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोच लेना सेठ। आज वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का। अपने गुरूर के गंदे कदमों तले मजदूर को दबाने वाला ये मालिक, ये मैनेजमेंट, इनका सर झुकाना। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे निकाले गए साथियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा कोई साथी, कोई कामरेड नौकरी पर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी। अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है। इस मामले अपनी टांग अड़ाइए आप। ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा। भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ? प्लीज भैया। ओके कैलाशनाथ चौरंगी जी, मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा मगर प्लान बता सकता हूँ। बताइए ना बताइए। कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पे गाड़ी चढ़ा देना और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके करेक्ट। एक तीर दो निशाने, शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शनो देवी रविष्टया आपो भवन्तु गीतये नयो रविष्टवन्तुना ओम स्वस्ति वन्ता मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव नलदाग्नदा जानता संगमे मई ओम विश्वानि देव सवितर त्वरिता। ज्योति ज्योति, तुम्हारी मम्मी का अपने कानून से ज्यादा भगवान पर विश्वास बढ़ता जा रहा। भगवान के बारे में ऐसी बात मत करो वरना भगवान आंखें छीन लेंगे। अरे जो भगवान खुद दुनिया से आंखें बंद किए बेटा वो हमारी आंखें क्या छीनेगा। क्यों बाबा? भगवान कैसा भी हो लेकिन घर में कभी कभार पूजा पाठ होना चाहिए।
पूजा पाठ ना हो तो मिठाई खाने को कहाँ से मिलेगी? जोशी माता को प्रसाद अभी चढ़ाया नहीं, पहले से हाथ लगा दिया। हटो, चोटी। अरे बुढ़िया, इतनी सारी औरतें घर में बैठी है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेरी इज्जत कर। एक चोटे के लिए मैं क्यों दिखावा करूं? जल्दी हजार जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मजदूर है। हजार जुल्म की टक्कर में बेटा। दादी तुम्हारा फोन है, फैक्ट्री के सामने गाड़ी के नीचे आकर कोई मर गया, फौरन तुम्हें बुलाया है। बेटी संतोषी माता की पूजा को यूं बीच में छोड़कर नहीं जाते, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, सबको प्रसाद दे दो फिर चली जाना। नहीं माँ जी, अगर मेरे पहुँचने में जरा से भी देर होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। रुक जाइए, आई सेड स्टॉप इट। ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हमारी नहीं, तेरास्ताक की है, जिसने बेरहमी से अहमद भाई की हत्या की है। आप लोग जोश से काम मत लीजिए, मैं इंक्वायरी करती हूँ। क्या इंक्वायरी करेंगे आप, जब अहमद भाई की लाश यहाँ खून में लथपथ पड़ी है? हम सब गवाह हैं कैलाशनाथ की जिंदगी के, उसने जानबूझकर इस बुजुर्ग को अपनी कार के नीचे रौंदा है। वो मुजरिम है इंस्पेक्टर साहब, उसे गिरफ्तार कीजिए। वो मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करना आपका या मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मिस्टर कैलाशनाथ बाहर आइए, चलिए। वहीं रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहिबा, आप सही वक्त पर देवी बनकर आ गई, वरना तो मुझे जान से मार डालते। यहाँ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा की तरह अपनी कार में आ रहा था कि अचानक इन लोगों ने मुझे और मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, मैंने शील तोड़ दिया और मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला भी किया। झूठ बोल रहा है नालायक। आप खामोश रहिए। ये बिल्कुल सच है मैडम, मालिक को लोग मारने आ रहे थे, मैंने डर के मारे गाड़ी तेज चला दी। वो आदमी गाड़ी के नीचे कब और कैसे आ गया मालूम नहीं। कांस्टेबल इसे गिरफ्तार कर लो। उसे नहीं इंस्पेक्टर, असली कातिल कैलाशनाथ है, इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर, मेरा काम तुम्हारे हुक्म पर चलना नहीं है, मैं कानून की नुमाइंदगी करती हूँ और उसी के अनुसार काम करूंगी। कानून की नहीं, आप इस सरमाएदार इस रईस कातिल की नुमाइंदगी कर रही है। एक गरीब मजदूर की लाश सामने पड़ी है और आप इस खूनी की रक्षा करने के लिए कानून और उसूल जैसी बातों की दीवार खड़ी कर रही है। होल्ड योर टंग मिस्टर, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपने क्या समझ रखा है, कानून कोई मूंग का टुकड़ा है जो सरमाएदारों की दौलत की गर्मी से नर्म हो जाएगा और उसे जिस तरफ चाहो मोड़ दिया जाएगा? जी हाँ, आपका कानून अंधा है, आपकी अदालत बेरही है। अगर आपने इस वक्त इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम खुद उसे वो सजा देंगे जो आपकी अदालत कल देगी। सुना इंस्पेक्टर, आपने सुना, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ये मामूली सा वर्कर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप इसको इसी पॉइंट पर फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। कैलाशनाथ, अगर तुमने मरहूम अहमद भाई के यतीम बच्चों को 1 लाख का मुआवजा नहीं दिया और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा देंगे। अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो हमें मजबूर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। वाह मैडम, अपराधी को छोड़कर हम पर लाठी चलाएंगे आप? चलाइए, हम भी देखेंगे। Thank you.
घर में जा अर्धे जा कामे जा मोक्षे जा नाति चरामी